भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन हर साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष तिथि की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस बार ये त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये त्योहार भाई और बहन के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा और विश्वास से भरे हर रिश्ते के सम्मान के लिए मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई की कलाई पर राखी बांधने की ये परंपरा कितनी पुरानी है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? नहीं तो चलिए हम बताते हैं आपको। वैसे तो इसके पीछे कई कथाएं हैं लेकिन हम आपको महाभारत काल से जुड़ी वो दो घटनाएं बताएंगे जो रक्षाबंधन का इतिहास माना जाता है और काफ़ी प्रचलन में भी है। आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार जब शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण के उंगली में चोट लग गई तो उनकी उंगली से खून की धार बहने लगी और इसी बीच द्रौपदी जो पूरी घटना को लगातार देख रही थी उन्होंने बहते खून को रोकने के लिए तुरंत अपनी साड़ी की एक हिस्सा फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया जिससे खून रुक गया और जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से सावन महीने की पूर्णिमा ही थी। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने इससे खुश होकर द्रौपदी को वचन दिया था कि उसके पल्लू के बांधे गए एक एक धागे का कर्ज वो ज़रूर चुकाएंगे और जब शतरंज के जुए में हार जाने के बाद जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने रोते हुए श्री कृष्ण जी को याद किया तो भगवान ने शिशुपाल वध के दौरान द्रौपदी का दिया हुआ वचन याद किया और साड़ी बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचा ली। इस तरह से उन्होंने अपना वचन भी निभाया क्योंकि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी और द्रौपदी ने जो उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा इसके बाद भगवान ने उनकी रक्षा की। तब से ही रक्षाबंधन का ये त्यौहार बहन द्वारा भाई को राखी बांधने और भाई द्वारा बहन की रक्षा करने को माना जाता है। आपको बता दें राखी को रक्षा सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इससे जुड़ी दूसरी घटना तब ही है जब महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य और महाबली कर्ण पांडव सेना का विनाश करने में जुटे थे। तभी घबराए युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे वसुदेव मैं आखिर कैसे इन योद्धाओं को हराकर विजय प्राप्त कर सकता हूँ? तब कृष्ण ने उन्हें उपाय सुझाया कि आप अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांध दें, इससे उनकी और आपके विजय सुनिश्चित जरूर होगी। कृष्ण के कहे अनुसार उन्होंने अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा और अंत में उनकी ही विजय हुई। साथ ही कहा जाता है कि ये घटना भी सावन की पूर्णिमा के दिन की घटित हुई है। तब से ये युद्ध पर जाने वाले योद्धाओं को पवित्र रक्षा सूत्र बांधने की भी परंपरा शुरू हुई। तो ये थी महाभारत से जुड़ी वो दो घटनाएं जो हमें बताती हैं कि रक्षाबंधन का इतिहास कितना पुराना और गौरवमयी है। आप भी अपने परिवार के साथ, अपनी बहनों के साथ और अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाइए। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।